और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पीएम आवास में धर्म विशेष के लोगों का कब्जा देखने को मिल रहा है। कब्जा कर दरबार बना दिया गया है। दरबार में झाड़ फूंक का खेल चल रहा है। लव जिहाद का मामला भी यहां से सामने आ चुका है। जो अब वो अवैध दिख रहा है कब्जाधारी, उसने मकान के साथ साथ सामने और पीछे बगल की ज़मीन पे बेजा कब्जा करके मस्जिद नुमा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। इसकी विस्तृत जांच करके कार्रवाई करना है तोड़ने के लिए। यहाँ पे जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है और हर धर्म के लोग आते हैं। सबकी सारी तकलीफ सारी परेशानी दूर होती है और निःशुल्क इलाज है। मजार उजार बना लिए हैं और सब अवैध कब्जे हैं ना, किसी के नाम पे अलॉट नहीं है। मैं इससे पूर्व वहाँ के लिए RTI भी लगाया हुआ था जिसका जवाब अपने को नहीं आया। अभी अपन फिर तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए RTI लगाने के लिए, और वहाँ टोटल अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है। उन लोग आके अपना कब्जा कर लिया, उनको भगा दिया है मारपीट करके, धमकी देके अपने अंडर में ले लिए रूम को पूरा, और अलग अलग मजार वजार भी बना लिए हैं। आए दिन वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लड़की छेड़छाड़ मारपीट जुआ सट्टा सब वहीं हो रहा है सब। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, पीएम आवास में इस तरह का खेल चल रहा है, यहां पर पहले भी शिकायतें सामने आई थी धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर, और अब इस बार भी फिर से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। क्या जानकारी आपके पास, क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, ये बिलासपुर शहर से लगा हुआ मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के देवरी खुर्द का पूरा मामला है। यहाँ पर 2013 में 400 अटल आवास जो है वो लोगों को आवंटित किए गए थे, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस अटल आवास में 125 लोगों के बाहरी लोगों के आमद हो चुकी है। यहाँ पर कब्जा करके वो अवैध रूप से रह रहे हैं। इतना ही नहीं, ये कब्जाधारी इतने बेखौफ होकर यहाँ पर जो अटल आवास का स्ट्रक्चर है उसको भी बदल दिया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से एक मस्जिदनुमा आकार देकर गुंबद बनाकर वहाँ पर झाड़ फूंक जैसी गतिविधियाँ जो है वो की जा रही है। रूहानी और जिस्मानी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का वहाँ पर खेल चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की। उनका ये कहना था कि यहाँ पर बाहरी लोगों के भी आमद है, यहाँ तक के बांग्लादेशी और के लोग जो हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, असामाजिक गतिविधियाँ जो हैं वो यहाँ पर संचालित हो रही है। इतना ही नहीं, बीते दिनों 13 साल की एक बच्ची को लव जिहाद का भी मामला सामने आया, जिसमें 13 साल की बच्ची को एक इमरान नामक युवक जो है यूपी भगा कर ले गया था। हालांकि बच्ची को हिंदू विश्व संगठन और पुलिस के द्वारा तो वो बरामद कर लिया गया था, लेकिन अभी भी जो आरोपी है वो फरार है। तो कुल मिलाकर अगर हम देवरी खुर्द की बात करें तो देवरी खुर्द में कुछ दिनों से असामाजिक गतिविधियां चल रही है, बाहरी लोगों के आमद वहां पर देखी जा रही है, और कई ऐसे आपराधिक मामले भी निकल कर सामने आए। देखना ये होगा कि अब इस पूरी खबर को दिखाए जाने के बाद क्या कुछ एक्शन लेता है, जो वहां पर लगातार यही बड़ा सवाल है। उमेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी भी इंतजार है कि एक्शन कब लिया जाएगा।